बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 12 है, जो कि एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में है। काइनेटिक इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी से डिराइव की गई। इस काइनेटिक इक्वेशन को गैस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम बॉयज लॉ को जस्टिफाई करेंगे काइनेटिक इक्वेशन से। इसके लिए एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस। इट इज पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये जो हमने इस पास अब हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं एन मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल की तो 1/2 mv² होती है, तो यहाँ पर एन मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mnc² बार। ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यहाँ पर इक्वेशन में दिया हुआ है एन मॉलिक्यूल की एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये साइन हटाते हैं आप, तो आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे kT हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। k यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज, जो pV=1/3 mnc² बार, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें और रीअरेंज भी कर दें। 2/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको हमने अलग कर लिया और न्यूमरेटर वाले 2 को हमने अलग कर दिया। ये हमारे पास 1/2 mnc² बार। इक्वेशन 1 में ऊपर 1/2 mnc² बार की वैल्यू दी हुई है और वो वैल्यू kT के बराबर है। वो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 आएगी हमारे पास pV=2/3 kT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो राइट हैंड साइड सारी की सारी कांस्टेंट हो जाएगी टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर। तो ये जो है राइट हैंड साइड कांस्टेंट होगी, हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा 2/3 kT बराबर हो जाएगा K' के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी pV=K', इट्स बॉयज लॉ। तो ये बॉयज लॉ को हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, जो है इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड जो है सारी की सारी कांस्टेंट हो गई। ये इक्वेशन 3 चार्ल्स लॉ के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि ओनली चार्ल्स लॉ को काइनेटिक इक्वेशन से डिराइव करें, तब आप शुरू से यहाँ से चलेंगे इस स्टेटमेंट से चार्ल्स लॉ के लिए। यहाँ से चलते आएंगे यहाँ से इक्वेशन 3 तक आएंगे, इसके बाद चार्ल्स लॉ को प्रूव करेंगे। अगर सिर्फ चार्ल्स लॉ का कहा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है बॉयज और चार्ल्स लॉ दोनों प्रूव करें, तो बॉयज लॉ यहाँ तक आकर प्रूव कर लेंगे यहाँ तक, और इक्वेशन 3 को इस्तेमाल करेंगे चार्ल्स लॉ को प्रूव करने के लिए। pV=2/3 kT इक्वेशन 3 है ये हमारे पास। तो इसमें प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी V=2k/3p/T। प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट हो तो 2k/3p, ये सारा फैक्टर कॉन्स्टेंट होकर बराबर हो जाएगा K"। K" न्यू कॉन्स्टेंट है, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास V=2K"T। और या फिर टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाकर लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा V/T=K", जो कि चार्ल्स लॉ है। उसके बाद एवोगाड्रो लॉ। हमारे पास दो गैसेस हैं 1 और 2, सेम प्रेशर है, सेम वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों गैसेस के N1 और N2 हैं। हमने यही प्रूव करना है कि इन दोनों गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे। कब? जब इनके वॉल्यूम इक्वल होंगे, जैसे कि वॉल्यूम बराबर है दोनों के और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होंगे। जो गैसेस के मासेस हैं वो m1 m2 हैं और मीन स्केयर वेलोसिटी c1² बार और c2² बार है। काइनेटिक इक्वेशन दोनों गैसेस के लिए इस तरह से होगी pV=1/3 m1 n1 c1² बार, और गैस 2 के लिए pV=1/3 m2 n2 c2² बार पर गैस 2। दोनों की जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, आप देख सकते हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड pV के बराबर है, दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी और इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी हमारे पास कंपेयरिंग करने पर m1 n1 c1² बार = m2 n2 c2² बार। दोनों की जो है वो राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल होगी, 1/3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पर। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर
जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी सिंगल मॉलिक्यूल की वो इक्वल होगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो दोनों गैसेस की जो मॉलिक्यूल की एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होगी 1/2 m1c1² इज इक्वल टू 1/2 m2c2² 1/2 कैंसिल हो जाएगा, m1c1² m2c2² आ जाएगा हमारे पास। ऊपर इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, ये सबसे सूत्र हाल आएगी, m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, c1² और c1² कैंसिल हो जाएगा, m2 से और c2² और c2² से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n1 n2 के इक्वल, जिसको हम कहेंगे ये एवोगैड्रो लॉ है कि अगर वॉल्यूम इक्वल हो और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे, जो कि एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक है। उसके बाद ग्राहम लॉज ऑफ डिफ्यूजन, अप्लाइंग द काइनेटिक इक्वेशन T=1/3 mNc², 1 मोल अगर गैस हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं हमारे पास। ये इक्वेशन काइनेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, T=1/3 mNa², T=1/3 mC², m कहाँ से आया, ये हमने m into Na बराबर है m के, यानी कि इसको कैसे बराबर होता है, कोई इक्वेशन नहीं है जो आपको प्रूव करके दे सके, इसको आपने रीड करना है, पढ़ना है, मैस ऑफ वन मोल, ये जो ये राइट हैंड साइड है यहाँ पर इसको पढ़ेंगे मैस ऑफ वन मोल, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर वन मोल से रिलेटेड होता है, तो जो मैस ऑफ वन मोल होता है वो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मैस के बराबर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर इक्वेशन में जो है वो mC²² लिख दिया। इसको रीअरेंज कर लेंगे, C²² को इधर ही रहने दे, 3 डिवाइड हो रहा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी C²² इज इक्वल टू 3 PV/m, स्केयर रूट ले लें दोनों साइड पर, C²² इज इक्वल टू 3 PV/m, C², अब देखें वॉल्यूम ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन में ऊपर, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड हो गया यहाँ पर, C²² इज इक्वल टू 3 PV/m/V जो है यहाँ पर ये डी के बराबर आ गया, मैस पर यूनिट वॉल्यूम डी के डेंसिटी के बराबर होगा, इक्वेशन हो जाएगी C²² इज इक्वल टू 3 P/D। तो जो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है यहाँ पर, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं C²², ये C²² जो है रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है, C²² है, तो ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर के, यानी कि इस तरह से रूट मीन स्केयर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो होगी इक्वल आर इज प्रोपोर्शनल टू 3 P/D डेंसिटी के, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाए, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है ग्राम ला में, कॉन्स्टेंट हो तो 3 भी कॉन्स्टेंट है, P भी कॉन्स्टेंट है, इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इट इज ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, डिराइव बॉयज लॉ फॉर काइनेटिक इक्वेशन, ये हमने स्टार्ट में डिराइव किया था बॉयज लॉ, ये बॉयज लॉ डिराइव करना है आपने यहाँ से यहाँ तक ये बॉयज लॉ है। उसके बाद डिराइव चार्ल्स लॉ डिराइव करना है, तो यहीं से आप शुरू करेंगे बॉयज लॉ के नीचे वाली लाइन से चार्ल्स लॉ डिराइव करने के लिए, और यहाँ तक आएंगे आप, ये चार्ल्स लॉ डिराइव हो गया। उसके बाद डिराइव एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आके खत्म कर देंगे, एवोगैड्रो लॉ डिराइव हो गया। ग्राहम लॉ को डिराइव करना है हमने, तो यहाँ तक आप ग्राहम लॉ को डिराइव कर लेंगे, ग्राहम लॉ यहाँ तक। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।